वाइकिंग्स के सीजन 5 एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है बियोन अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान में एक राजा से मिलने गया है ताकि वो दोनों आपस में काम कर सके, पर उस राजा ने बियोन और उसके आदमी को मारने को कह दिया है। पर उसी वक्त रेगिस्तान में तूफान आ जाता है और रेगिस्तान के तूफान में बियोन उसके आदमी को मार के भाग जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइवर वापस लौट आया है। राजा होरिक आइवर से कहता है तुम लोग कैटेगर क्यों नहीं गए, तो फिर आइवर कहता है विशक ने मेरा साथ छोड़ दिया और अब उबाल कैटेगर लौट गया तो हम यहाँ आ गए। राजा होरिक कहते हैं बहुत अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए। राजा होरिक कहते हैं तुम लोग एस्ट्रिड को तो जानते होगे, यह मेरी रानी है। फिर राजा होरिक कहते हैं तुम और तुम्हारे योद्धा कैटेगर पर हमला करने में मेरी मदद करोगे ना, तो फिर आइवर कहते हैं हम जरूर करेंगे। और आइवर कहते हैं हम दोनों की तो बस एक ही ख्वाहिश है, वह है राज्य को वापस हासिल करना उस कपटी लगारता से। हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं ताकि उससे बदला ले सकें। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राजा एथल उल्फ भी अपने राज्य में वापस आ गए हैं। तो फिर राजा एथल उल्फ का बेटा कहता है पिताजी हम यहाँ नहीं रुक सकते। और राजा एथल उल्फ कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो उसका बेटा कहता है हम जहाँ पहले रहते थे वहीं रहेंगे, वहाँ सुरक्षित हैं। राजा एथल उल्फ कहते हैं अब हम और नहीं भागेंगे। फिर राजा एथल उल्फ कहते हैं अब हम और कहीं नहीं जाएंगे, मुझे और नहीं भागना हूँ उत्तरवासियों से। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लोकी कुछ लोगों के साथ एक नई जगह पर जा रहा है, उसके हिसाब से वहाँ भगवान है और वह अपने साथ कुछ लोगों को भी वहाँ ले जा रहा है। फिर तभी उनकी रानी वहाँ आ जाती है लगातार और कहती है तुम सब लोग मुझे बिना बताए जा रहे हो, पर मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी, जाओ तुम। फिर फ्लोकी और उसके साथी उस नई जगह की खोज में निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइवर और राजा होरिक सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर आइवर राजा होरिक से कहता है बताओ कब करेंगे हम हमला। और राजा होरिक कहता है मुझे मेरे लोगों को इकट्ठा करना होगा और मेरे कुछ जहाजों को मरम्मत की भी जरूरत है और ये काम पूरा होने में कुछ टाइम तो लगेगा ही सही। तो आइवर कहता है आज पूर्णिमा की रात है, हम दूसरी पूर्णिमा तक लगातार पर हमला करेंगे। तो राजा होरिक कहता है जरूर। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ राजा एथल उल्फ को दोबारा राजा बनाया जा रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ एस्ट्रिड कुछ लोगों को अपना काम करने को कहती है। रानी एस्ट्रिड कहती है तुम मेरा एक काम करोगे, तो वो मछली पकड़ने वाला कहता है अच्छी कीमत दोगे तो जरूर करूंगा। तो एस्ट्रिड उसको सोने के सिक्के देती है और कहती है तुम कैटेगरी जाना और रानी लगातार सिखाना, अगली पूर्णिमा पर आइवर आप पर हमला करने वाला है। फिर वह मछली पकड़ने वाला कैटेगरी के लिए रवाना हो जाता है और लगातार के पास आ जाता है। तो रानी लगातार कहती है अगली पूर्णिमा पर वह हम पर हमला करेंगे। और उस मछली पकड़ने वाले से पूछते हैं कितने जहाज आ रहे हैं, ऐसा कुछ बताया, तो वो कहता है नहीं। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तो रानी लगातार अपने लोगों से कहती है समय बहुत कम है, हमें जंग की तैयारी करनी होगी, वो लड़ाई करना ठीक रहेगा या किसी और जगह पर करना ठीक रहेगा। लगातार उबा से कहते तुम जाकर अपने लोगों को इकट्ठा करो, तो उबा अपने लोगों को इकट्ठा करने चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बियोन रेगिस्तान गया था तो वो अब वापस लौट रहा है। बियोन लगातार का बेटा वापस आ रहा है। तो यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी